हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फिगर आपको गिवन है, तो उस फिगर में एंगल ए बी सी आपको 69 डिग्री गिवन है, एंगल ए सी बी आपको 31 डिग्री गिवन है, आपको एंगल बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे आपको फाइंड करके बताना है। तो जस्ट अभी हमने थ्योरम किया था, थ्योरम नंबर 10.9, कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो जब जैसे आप सर्कल में कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने ये बी सी कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अब इसने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, जो बड़ा वाला एरिया होगा मेजर सेगमेंट हो गया, क्योंकि सर्कल का सेंटर यहाँ है और ये ऊपर की साइड है, तो ये वाला मेजर हो गया। और जो छोटा वाला पार्ट बचा है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो चाहे मेजर सेगमेंट में सेम एंगल बने, चाहे माइनर सेगमेंट में सेम एंगल बने, अगर वो सेम सेगमेंट में बने हुए हैं तो यानी कि ये कोई दोनों माइनर सेगमेंट बने हुए ना, एंगल ये एंगल और ये एंगल, तो वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आप यहां पे देखो, अगर मैं बी सी डी ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला बी सी डी ट्राइंगल, तो मुझे ये वाला एंगल भी नहीं पता और मुझे ये वाला एंगल भी नहीं पता, तो डी फाइंड करना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल का एक भी एंगल यहाँ पे नहीं पता है। फिर आप दूसरा ट्राइंगल देखोगे ए बी सी, तो ए बी सी में आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, आप एंगल ए इजीली फाइंड कर लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जितना भी एंगल ए आएगा उतना ही एंगल डी होगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एंगल ए फाइंड करना है और थ्योरम से जो एंगल ए होगा वही एंगल डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन यहाँ पे राइट करना है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, या आपको ट्राइंगल ए बी सी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल ए फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी आपका यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। रीजन आपको जरूर लिखना है कि यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर वैल्यू पुट कर लिया दोनों की, दोनों को ऐड किया, आपका 100 आ गया, तो एंगल 100 डिग्री आ गया। तो एंगल ए चाहिए तो प्लस का 100 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, तो 180 में से 100 गया, तो एंगल ए आपका यहां से हो गया 80 डिग्री। फिर अब हमें तो एंगल डी फाइंड करना है, तो अब आप रीजन लिखोगे कि सेगमेंट हमने लिया है बी ए डी सी बी, ये जो आपका माइनर सेगमेंट है, तो उस माइनर सेगमेंट में आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बी ए सी बन रहा है, एक एंगल बी डी सी बन रहा है, और ये दोनों एंगल आपके सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो दे मस्ट बी इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमें बी डी सी फाइंड करना था, तो बी डी सी आपका यहां पे हो गया 80 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस एंगल बी डी सी इक्वल टू 80 डिग्री, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे हमें फाइंड करना था तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।